हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड नहीं है, आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करनी थी। अक्सर ये होता है कि कुछ लोग डीप स्ट्रेस में होते हैं या उन्हें कोई परेशानी होती है, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि अगर किसी को कोई मुश्किल पेश आती है तो वो बहुत जल्द अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाता है, और मायूसी कुफर है। सबसे पहले अगर आप अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं तो सूरह यूसुफ की तलावत कीजिए। अब तलावत तो हर कोई करता है, लेकिन किसी को ये पता नहीं होता कि जो वो पढ़ रहा है उसमें लिखा हुआ क्या है। सब अरबी पढ़ते हैं और कुरान बंद कर देते हैं, कोई भी तर्जमे के साथ कुरान नहीं पढ़ता। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपने सूरह यूसुफ को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ना है। जब आप सूरह यूसुफ को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो अब तब आपको ये बात समझ आएगी कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बचपन से कितना कुछ फेस किया। सबसे पहले उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, फिर कुछ ताजरों ने उन्हें कुएं से निकाल कर मिस्र के बाज़ार में बेच दिया, फिर मिस्र के वज़ीर ख़जाना ने उन्हें खरीद लिया अपने ग़ुलाम की हैसियत से, फिर वज़ीर ख़जाना की बीवी ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, उसके बाद उन्हें कई सालों तक जिंदान में कैद कर दिया गया। जिंदान में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हाबू की ताबीर बताने का मौजज़ा अता किया, फिर उसके बाद वो किस तरह मिस्र के बादशाह बने। इस दौरान हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई चली गई, जो अल्लाह ताला 20-25 साल बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का बादशाह बना सकता है। तो वही अल्लाह आपकी परेशानियों पर भी कादिर है और वही आसानी देने वाला है। लेकिन यह किसी बात का हल नहीं है कि आप किसी छोटी सी बात पर परेशान हो जाएँ या स्ट्रेस ले लें, क्योंकि जिस चीज़ को होना है उसे होकर रहना है। तो मुझे किसी बात पे परेशानी होती है तो मैं सूरह यूसुफ आयत नंबर 87 पढ़ता हूँ, जिसका मफहूम इस तरह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं कि जो लोग अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद होते हैं वो लोग काफर होते हैं। तो तब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम लोग तो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई छोटी सी मुश्किल आ जाए तो हम लोग नाउम्मीद हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं। लेकिन कुरान तो ये कह रहा है कि जो लोग नाउम्मीद होते हैं या मायूस होते हैं अल्लाह की रहमत से, वो लोग काफिर होते हैं। सूरह यूसुफ जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जर्नी को बयान करती है कि वो कैसे अपने बचपन से लेकर मिस्र के बादशाह बने, कौन सी चीज़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त की, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, ये सब उस सूरत में मौजूद है। जब आप सूरह यूसुफ को पढ़ेंगे तो तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो तो कुछ भी नहीं है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त की। तकरीबन कुछ रवायात में आता है कि उन्होंने 20 साल गुजारे सारे याकूब अलैहिस्सलाम की जुदाई में, और कुछ रवायात में आता है कि 28 साल, कुछ में आता है 25 साल। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सूरह यूसुफ को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो मुश्किलात तो कुछ भी नहीं है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की। जब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा तो आप परेशान होना छोड़ देंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। आपसे मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में।